हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को लेसर टूल के बारे में बताऊंगा। लेसर टूल जो एक्चुअली होता है, ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए होता है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो मैं इस लेसर टूल से बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक दिस वे, ये मैंने इसमें ये पोर्शन मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं इनको अपने हिसाब से देखिए आगे पीछे कर सकता हूँ, यानी ये दो पॉइंट ही अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, बाकी का कोई भी पॉइंट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लाइक दिस वे, इस तरह की शेप मैंने बना दी। अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहे हैं, इसके मुझे टॉप राइट कॉर्नर को सिलेक्ट करना है हर ऑब्जेक्ट के, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने इसमें लिया। इसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट का भी टॉप राइट कॉर्नर ले लिया, यहाँ से आप इसको ले लीजिए। सेम इसी तरीके से ये पॉइंट आप इसमें लीजिए। एंड नाउ लाइक दिस वे, अब इसको आप ऐसे क्लोज कर दीजिए। इसका टॉप राइट कॉर्नर आपका हर ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं, देखिए अब आप इसको जैसा चाहें वैसा शेप आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लैशो टूल कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अगला टूल बताऊंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर दोस्तों।